को लेकर डीपीएस स्कूल में अभिभावकों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन, देखें ये रिपोर्ट। एक तरफ सरकार जहां शिक्षा की गुणवत्ता एवं मानकों को लेकर गंभीर नजर आ रही है, वहीं जिला प्रशासन के डूलमुडोल रवैये के कारण स्कूल प्रबंधक अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे और बेतहाशा फीस वृद्धि कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही मामला देखने को मिला राइफनरी नगर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जहां स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों की स्कूल फीस में एक साथ बेतहाशा वृद्धि की गई। फीस वृद्धि से परेशान छात्र छात्राओं ने अभिभावकों ने कई बार स्कूल प्रबंधन व मथुरा राइफनरी प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इसके बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन व राइफनरी प्रशासन इस समस्या का समाधान का कोई हल नहीं निकाला और गुरुवार को स्कूल परिसर में एकत्रित हुए अभिभावकों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने विद्यालय परिसर के मेन गेट का ताला तोड़कर परिसर में मौजूद विद्यालय के कर्मचारी को बंधक बना लिया और अधनग्न होकर स्कूल प्रशासन व राइफनरी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जैसा कि आप सबके संज्ञान में आया होगा, मैं पुनः उसी बात को दोहरा रहा हूँ। पिछले दो वर्षों से लगातार हम डीपीएस प्रशासन और रिफाइनरी प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये डीपीएस का स्कूल डीपीएस सोसाइटी और रिफाइनरी प्रबंधन तंत्र के संयुक्त तत्वाधान में संचालित है। रिफाइनरी को इस स्कूल से सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए, उसके बावजूद रिफाइनरी हर वर्ष न केवल फीस बढ़ा रहा है बल्कि इस बार तो अति कर दी और पिछले वर्ष 15% फीस बढ़ोतरी के बाद इस वर्ष 85% की फीस बढ़ोतरी कर दी। हमने पिछले दो महीनों में डीपीएस प्रिंसिपल को एक लेटर दिया, नोटिस दिया, फिर एक महीने बाद रिमाइंडर दिया, जिलाधिकारी से शिकायत कर दी, लेकिन इनका कोई भी अधिकारी जीएम या ईडी स्तर का हम लोगों से बात करने नहीं आया। लिहाजा आज अभिभावकों का आक्रोश फूट पड़ा है और मैं इसी बात को बार बार चेतावनी इनको दे रहा था कि जिस दिन अभिभावक सड़क पे आ गया उस दिन ये घुटने टेकने पड़ जाएंगे इनको। ये नियम था बिल्कुल गलत है। सीबीएसई तो क्या, किसी भी शिक्षा जगत का विद्यालय 85% फीस की बढ़ोतरी तो कर ही नहीं सकता। ये हमें बहका रहे हैं, एक तारीख आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे सड़क पे आ जाएं। हमने ये डिसाइड कर लिया है, अगर ये नहीं माने तो हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और हाई कोर्ट के माध्यम से इनको इस बात पे मजबूर कर देंगे कि अपने गलत फैसले